नमस्कार, सोनालिका गौरमे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मशरूम चिली। ये बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी मशरूम चिली बनाने की रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें और स्नैक्स के रूप में या साइड डिश के रूप में इसको बनाएं, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो आइए इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मशरूम को काटेंगे, जिसके लिए मैंने मशरूम को यहाँ पर लेके इनके डंठलों को अलग से कट कर लिया है। मशरूम को हमने थोड़ा सा मोटा काटा है, क्योंकि ये उबलने के बाद थोड़े साइज़ इनका श्रिंक होता है, तो इसको थोड़ा सा आप मोटा काटें तो इसकी शेप और साइज़ बहुत अच्छी बनी रहेगी। अब इसको बॉइलिंग वाटर में थोड़ा सा नमक डालकर हम उबालेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें उबालना है। ये बिल्कुल बढ़िया से जब श्रिंक हो जाएगा और इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। तो इनको मिला के हमने छोड़ दिया है। 2 से 3 मिनट बाद ये बिल्कुल बढ़िया से पक जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है और मशरूम लगभग पक चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे बढ़िया से। और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसमें सॉस मिलाएंगे। सबसे पहले सोया सॉस मिलाया है हमने इसमें, और इसमें हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा डाला है। इसके बाद हमने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी मिर्च पाउडर और नमक डाला है। नमक हमने बहुत ही कम डाला है, क्योंकि सोया सॉस तो बाकी सभी सॉस में थोड़ा थोड़ा नमक का कंटेंट होता है। तो उसके बाद हमने चिली सॉस और थोड़ा सा सिरका भी डाल लिया है। अब इनको अच्छे से मिलाएंगे, बिल्कुल बढ़िया से मशरूम को इन मसालों में कोट करना है हमें। तो हमने इसको बढ़िया से मिला लिया है, अच्छे से मसालों को कोट कर दिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तेल गरम करके हमने मशरूम को उसमें डाल दिया है। मशरूम को बिल्कुल अच्छे से हमें पकाना है। हमने यहाँ पे आँच को मीडियम हीट पे रखा है और इनको पलटते हुए घुमाते हुए हम अच्छे से पकाएंगे। मशरूम का कलर थोड़ा सा हमें डार्क करना है यहाँ पे, ताकि ये क्रिस्पी बने। तो इनको पलटते हुए घुमाते हुए हमने बहुत ही अच्छे से पका लिया है, बिल्कुल से बढ़िया से डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। तो हम इनको निकाल लेंगे। अब ये निकालने के बाद हम इसको साइड कर देंगे इनको। और सॉस मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिला लेंगे इसमें। उसके बाद इसमें सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, स्वीट चिली सॉस ऐड करेंगे, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करें। थोड़ा सा विनेगर डाला है। इसके साथ ही साथ हमने स्वीटनेस के लिए थोड़ा सा टोमेटो सॉस भी ऐड किया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे तिल का तेल, सेसमी ऑयल थोड़ा सा लिया है और चिली फ्लेक्स को मिलाया है। और उनको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इनको पतला करके घोल बना के रख लेंगे। तो हमारे ये सॉस मिक्स रेडी है। इसको बना लेने से कोई भी सॉस छूटता नहीं जब हम हाई हीट पे अपनी चिलीज़ को बनाते हैं किसी भी तरह के। तो एक पैन में तेल गर्म करके सबसे पहले लहसुन और हरी मिर्च को हम यहाँ पर भुनेंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हरी कटी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और प्याज डालेंगे। सब्जियों को हमने यहाँ थोड़ा सा मोटा काटा है, ताकि जो मशरूम चिली का कलर है वो बहुत ही वाइब्रेंट और सुंदर लगे। तो थोड़ा इनको मिलाने के बाद हम प्याज की, हरे प्याज की पत्तियों को हमने जो मोटा वाला सफ़ेद पोर्शन होता है उसको डाला है। उसके बाद हम इसमें सॉस मिक्स को डाल देंगे। इसको बढ़िया से मिलाने के बाद ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से ये पक गया है। इसके बाद हम इसमें मशरूम को ऐड करेंगे। यहाँ पे आँच को हमने थोड़ा तेज रखा है, तो मशरूम को हमने इसमें ऐड कर दिया है। इनको बहुत ही बढ़िया से मिला के मसालों को मशरूम में बढ़िया से कोट करना है। और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसमें। हमने इसको ड्राई बनाया है मशरूम चिली को, इसलिए पानी बहुत कम ऐड किया है। तो बढ़िया से ये कोट हो गया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। तो मशरूम चिली अब निकालने के लिए रेडी है। इसको सर्विंग बोल में डालें। स्वादिष्ट और क्रिस्पी मशरूम चिली रेडी है। इसको हरे प्याज की पत्ती और धनिया की पत्ती से गार्निश करके सर्व करें। और भी नए रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।